मैं नहीं कह रहा आप कल से 1 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे या 2 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे या 5 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने 3 महीना 4 महीना 6 महीना इसको पार्ट टाइम किया तो ये बिजनेस आपको 30-40-50 हजार रुपए पर मंथ दे सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत की इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। इसमें आप पार्ट टाइम इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप अपनी जॉब कर रहे हैं साथ साथ 2 घंटा शाम को आप इस बिजनेस को दे सकते हैं। 2-2 घंटा अगर भी अगर आप डेली इस बिजनेस को देंगे, हफ्ते में 10 से 12 घंटे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाए। आइए इस बिजनेस मॉडल को ज्वाइन करिए, आइए मेरे साथ, मैं डायरेक्टली आपको कोच करूंगा इस बिजनेस को कैसे किया जाता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आइए नेट मार्केटिंग का हिस्सा बनिए और अपने जिंदगी में एक पंख लगाइए और अपने सारे अधूरे सपनों को पूरा कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आपके मन पर आपका अधिकार है, बाहरी घटनाओं का नहीं। इसे समझो और तुम शक्ति पाओगे। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास जीने के लिए 1000 साल हैं। यह मृत्यु नहीं है जिससे मनुष्य को डरना चाहिए, बल्कि उसे इस बात से डरना चाहिए कि वह कभी जीना शुरू ही ना करे। जब आप सुबह उठते हैं तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्यार करना कितने सौभाग्य की बातें हैं। 10,000 पुरुषों की राय का कोई महत्व नहीं है अगर उनमें से कोई भी इस विषय के बारे में कुछ नहीं जानता है। आपका व्यवहार बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अक्सर क्या सोचते हैं, क्योंकि आत्मा वैसी ही है जैसी वह विचार के रंग और रूप से रंगी हुई है। जो कुछ भी हम सुनते हैं वे विचार होते हैं, तथ्य नहीं। जो कुछ भी हम देखते हैं वह एक दृष्टिकोण है, सत्य नहीं। जल्द ही तुम दुनिया को भूल जाओगे और जल्द ही दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। मैं हमेशा हैरान होता हूं कि हम सभी अन्य लोगों की तुलना में खुद को अधिक प्यार करते हैं, लेकिन अपनी राय से अधिक उनकी राय की परवाह करते हैं। अगर यह सही नहीं है तो इसे ना करें, अगर यह सच नहीं है तो इसे ना कहें। शब्दों में बुद्धिमान मत बनो, कर्मों में बुद्धिमान बनो। गरीबी अपराध की जननी है। जब भी आप किसी में दोष निकालने वाले हों तो अपने आप से यह प्रश्न पूछें, मेरा कौन सा दोष उससे सबसे अधिक मेल खाता है जिसकी मैं आलोचना करने जा रहा हूं। जो प्रकाश का संचार नहीं करता वह अपना अंधकार स्वयं निर्मित करता है। एक अच्छा आदमी क्या होना चाहिए इस बारे में बहस करने में और समय बर्बाद ना करें, एक अच्छा आदमी बने। कभी भी किसी ऐसी चीज को अपने लिए लाभदायक ना समझें जो आपको अपना वादा तोड़ने, अपना आत्मसम्मान खोने, किसी व्यक्ति से घृणा करने, संदेह करने, अभिशाप देने, पाखंडी कार्य करने के लिए मजबूर करे। अपने आप को वर्तमान तक सीमित रखें। जो मन शांति और आत्मा के स्वास्थ्य को महत्व देता है वह हर संभव सर्वोत्तम जीवन जिएगा। आपको अपने जीवन को स्वयं बनाना होगा, कर्म दर कर्म। मौत हम सब पर मुस्कुराती है, एक आदमी जो कर सकता है वो है वापस मुस्कुराना। दूसरों के प्रति सहिष्णु और स्वयं के प्रति कठोर बनो। अगर कोई मुझे गलत साबित कर सकता है और मेरे किसी भी विचार या कार्य में मेरी गलती दिखा सकता है तो मैं खुशी से बदल जाऊंगा। मैं सत्य की तलाश करता हूं। जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, नुकसान तो तब है जब आप अपने स्वयं के धोखे और अज्ञानता में बने रहें। अपना जीवन ऐसे जिए जैसे कि आप किसी भी क्षण इसे अलविदा कहने के लिए तैयार हों, जैसे कि आपके लिए बचा हुआ समय कोई सुखद आश्चर्य हो। हम जो कहते हैं और करते हैं उनमें से अधिकांश चीजें आवश्यक नहीं है। यदि आप इसे समाप्त कर सकते हैं तो आपके पास अधिक समय और अधिक शांति होगी।
हर पल अपने आप से पूछो, क्या यह जरूरी है? कार्यवाही में बाधा कार्य को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा होता है वह रास्ता बन जाता है। सबसे अच्छा बदला अपने दुश्मन जैसा नहीं होना है। सुखी जीवन बनाने के लिए बहुत कम की आवश्यकता होती है। यह सब आपके भीतर है, आपके सोचने के तरीके में है। आज मैं ऐसे लोगों से मिलने जा रहा हूं जो बहुत अधिक बात करते हैं, जो लोग स्वार्थी, अहंकारी, कृतघ्न हैं, लेकिन मैं हैरान या परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बिना दुनिया की कल्पना नहीं कर सकता। सत्य से कोई आहत नहीं हुआ, लेकिन जो आत्मवंचना और अज्ञानता में बना रहता है वह घायल होता है। उन चीजों को स्वीकार करें जिनसे भाग्य आपको बांधता है, और उन लोगों से प्यार करें जिनके साथ भाग्य आपको एक साथ लाता है, लेकिन इसे पूरे दिल से करें। हमारा जीवन वह है जो हमारे विचार इसे बनाते हैं। क्रोध के परिणाम उसके कारणों से कहीं अधिक भयंकर होते हैं। मनुष्य की सच्ची खुशी वह करने में है जिसके लिए उसे बनाया गया है। दूसरे लोगों की गलतियों से बचने की कोशिश करना बेवकूफी है, वे अपरिहार्य हैं। बस अपनी गलतियों से बचने की कोशिश करो। मनुष्य के साथ कुछ ऐसा नहीं घटता जिसे वह सहन करने योग्य ना हो। अपने स्वयं के मन की कार्य प्रणाली को समझने में विफल रहने से दुख होना तय है। सिर्फ सोचने से कुछ बेहतर नहीं होगा। मदद करने में शर्म ना करें। जीवन छोटा है, इसकी सबसे अहम चीजें ना भूलें, दूसरों के लिए जीना और उनका भला करना। आप सिर्फ सोचते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं तो कुछ बेहतर नहीं होगा। एक आदमी का मूल्य उसकी महत्वाकांक्षाओं से अधिक नहीं है। जो आपके पास नहीं है उसके सपने में शामिल ना हो, लेकिन आपके पास जो है उनसे संतुष्ट रहें और सोचें कि अगर वे आपके पास नहीं होते तो आप उनके लिए कैसे तरसते। जो कुछ भी होता है उसे वैसा ही होना चाहिए, और यदि आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा ही लगेगा। वो जो अपने साथ तालमेल में रहता है वह पूरे ब्रह्मांड के साथ तालमेल में रहता है। एक वास्तविक व्यक्ति क्रोध और असंतोष को तवज्जो नहीं देता है, और ऐसे व्यक्ति में शक्ति, साहस और धीरज होता है। क्रोध और शिकायत के विपरीत एक आदमी जितना शांत मन के करीब आता है वह ताकत के उतना ही करीब होता है। कभी किसी व्यक्ति को उसकी दिखावट के आधार पर ना आंकें, बल्कि उसे उसकी मुश्किलों को झेलने की क्षमता से आंकें। जीवन का उद्देश्य बहुमत के पक्ष में होना नहीं है, बल्कि खुद को पागलों की कतार में पाकर बचना है।